अस्सलाम वालेकुम। तो आज से आपकी ये परेशानी दूर होने वाली है कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दिया जाए। स्कूल ओपन होने वाले हैं और हर माँ को यही टेंशन है कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें। तो आज मैं आपके लिए ख़ास तौर पर यही रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा क्योंकि मैं इसमें एक ख़ास इन्ग्रीडियंट डालूँगी जो कि इसको मज़ीद टेस्टी बनाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है चिकन बोनलेस 500 ग्राम। आप चिकन मिंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसको हम चॉपर में डाल देंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको मिक्सर में भी बना सकते हैं। ब्रेड क्रम्स लिए हैं 1/2 कप। आम रेगुलर ब्रेड के आप 3 पीसेस लें और उनके क्रम्स बनाकर शामिल कर दें। साथ इसमें मिल्क शामिल किया है 1 टेबल स्पून। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। पेपरिका 1 टीस्पून जाएगा। पेपरिका नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर जो है 1/2 टीस्पून या 1/3 टीस्पून डाल सकते हैं। मिक्स हर्ब डालिए 1.5 टीस्पून। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। अब इसमें शामिल करेंगे गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। आप गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे प्याज, एक मीडियम प्याज लेकर उसको चॉप करके शामिल कर दिया है। अब इसमें डाल देते हैं ग्रीन चिलीज, 2 से 3 इसमें डाली जा सकती हैं। सोया सॉस 1 टेबल स्पून। अब इसको हम अच्छे से चॉप कर लेते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसको मज़ीद टेस्टी बनाएगा। इसको सबसे पहले हम मिक्सर में से निकाल लेते हैं, एक बाउल में डालते हैं और जहाँ पर हम शामिल करेंगे चेडर चीज़ 1/2 कप। ये टोटली ऑप्शनल है लेकिन ये बहुत ही मज़े का टेस्ट देती है। अब यहाँ पर हम शामिल करने जा रहे हैं फ्रेश कोरिएंडर, सब्ज़ धनिया 2 चम्मच और अब इसको चम्मच या हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाता है हम अपने हाथों को कर लेंगे ग्रीस और इसके हम लेंगे छोटे छोटे से बॉल्स। यहाँ पर मैंने जो है तकरीबन जितना से एक नगेट होता है ना उससे बस थोड़ा सा बड़े साइज़ का ये मैंने बॉल लिया है। और अब इसको फ्लैट कर लेंगे और इसको शेप दे लेंगे पॉप्सिकल की। ऊपर से जैसे राउंड कर सकते हैं या इसको आप स्क्वायर शेप में रख सकते हैं। यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक्स का इस्तेमाल किया है वो इसमें लगा देते हैं और अच्छी सी इसको शेप दे लेंगे। लीजिए बड़ी ज़बरदस्त सी जो है चिकन पॉप्सिकल रेडी हो गई है। अब इसको हम जो है एग और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर मैदा लिया है, ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। तीनों चीज़ें मैदे में कोट करने के बाद इसके ऊपर हम एग को अच्छे से कोट करेंगे। एग को कोट करने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। ये आप आम रेगुलर ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बाज़ार वाले नहीं हैं तो घर पर ही ब्रेड को जो है आप पीस कर क्रम्स बना सकते हैं और अच्छे तरीके से कोट करने। स्पेशली स्टिक के पास से आपने जो है ब्रेड क्रम्स अच्छे से कोट करने हैं और इस तरह से स्टिक्स बना लेंगे। ये तकरीबन मेरी 12 स्टिक्स बनी हैं, तकरीबन 500 ग्राम जो चिकन था उसमें। आप इसे छोटी बनाएं तो इससे ज़्यादा भी बन सकती हैं। अब इस तरह से इनको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इनको सेपरेटली पहले हमने फ्रीज़ करना है, उसके बाद इनको अलग अलग करके किसी भी ज़िपलॉक बैग में डाल दें। अब हम लेंगे ऑयल, यहाँ पर मैंने मीडियम जो है वो गरम किया है ऑयल। उसके बाद आंच को हमने स्लो करके उस पर इनको रख देंगे और तकरीबन एक साइड से तकरीबन 3-4 मिनट लगेंगे और उसकी साइड चेंज कर देंगे। टोटल तकरीबन 7 से 8 मिनट में स्लो हीट पर बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन पॉप्सिकल रेडी हो जाती हैं। ये मेक श्योर करना है कि अंदर से जो चिकन है ना वो कच्चा ना रहे, इसके लिए आपने लो फ्लेम पे इनको फ्राई करने हैं। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त सी चिकन पॉप्सिकल रेडी हो गई हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसको टी टाइम स्नैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।